स्वयंभरौ दिजवरौ जुगधर्म पालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपी सह गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरभोऽभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिवान नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे, सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न में पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिले, और कल श्रवण कर रहे थे दूसरे प्रश्न की आंसर को, बोले कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए इसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानं इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। कहते जितने वेद पुराण उपनिषद और यहाँ तक भी जो मुक्त महापुरुष हुए हैं सबके सब एक ही बात कहते हैं, कलयुग में भगवान को पाने का क्या उपाय है। बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा है। बोले क्यों, बोले उनको पता है कलयुग का जो जीव है वो इतने कठोर तपस्या भजन कर ही नहीं सकते। सत्ययुग में जो साधन था, बोले कृते जत ध्यायते विष्णु, सत्ययुग में था ध्यान, लेकिन ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता की बहुत ही जरूरत है। लेकिन द्वापर युग में स्वयं अर्जुन कहता है, बोले चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। बोले वायु रेव सुदुष्करम,
मतलब बाई को कंट्रोल करना आसानी है लेकिन मन को नहीं, ये एक मिनट में विश्व ब्रह्मांड को घूम करके आ जाता है। इसलिए कलयुग में ध्यान मना कर दिया, ये सत्ययुग था ध्यान। इसलिए अब सुने होंगे 10,000 साल हिरण्यकश्यप तो 60,000 साल तक बसा किए। अगर कलयुग में एक दिन एक व्यक्ति को बोलो कोई व्रत रखने के लिए, हैं जैसे एकादशी व्रत रखे, उसको बोलो भैया एक काम कर दो, बोले आज हमने व्रत रखा है। मतलब कलयुग में एक दिन भी एक व्यक्ति व्रत रख नहीं सकता, ऐसे कलयुग का चीन का स्थिति है। क्योंकि इनका जो प्राण है वो अन्न में ही प्राण है, अगर अन्न डालोगे फिर तो ये मेरे से नहीं काम करेगा। लेकिन सत्ययुग में ही कहती है मज्जा में ये प्राण रहता था, इसलिए लोग ध्यान करते थे हजार हजार साल तक। त्रेतया युग में बोले त्रेतया जजत मखई, त्रेतया युग में था यज्ञ। अभी यज्ञ करने के लिए निष्काम ब्राह्मण होनी चाहिए, लेकिन किसी ब्राह्मण को बोला यज्ञ करने के लिए सबसे पहले बोलेगा कितना पैसा दो। जब पैसा की बात करता है यज्ञ के लिए वहीं पर तो आधा यज्ञ का फल बता। खैर कलयुग में जो शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन है, कोई बीड़ी फूंकता होगा, कोई गुटखा खाता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई उल्टा बुल्टा खाता होगा, ऐसे मुंह से मंत्र पढ़ने से मंत्र का कोई फल नहीं मिलता है। फिर कलयुग में कोई संस्कृत पढ़ते ही नहीं, इसलिए नियम है मंत्र पढ़ने का, एक नियम है उसमें तीन तरह का स्वर होता है, कहते स्वरी उतार हर्स्व दीर्घ और उपलुत, ये तीनों स्वर में ये मंत्र को उच्चारण करना पड़ता है। संस्कृत पढ़ते नहीं, इसलिए हमने बहुत सारी जगह में देखा यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ एक काम के लिए और दूसरा मंत्र पढ़ रहा था, क्योंकि उसको मंत्र ही पता नहीं। इसलिए फिर यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी की जरूरत है। कुछ दिन पहले अलीगढ़ में पकड़े गए, घी बना रहे थे, केवल हड्डी को गला गला करके उसमें सेंट डालकर भी घी बन रहा था, कोई घी का नाम तक नहीं है। अगर घी में चर्बी मिला है जिस देवता के लिए आप अर्पण करते हो वो नाराज हो जाएंगे। फिर हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, हम लोग प्रचार करने के लिए गए थे हाथरस, हवन सामग्री बन रही थी, बोले कैसे, बोले लकड़ी की बुरादामी गाड़ी का बचा हुआ जो तेल उसमें वो बना रहे थे हवन सामग्री। ये चीज देवता लोग अभी ग्रहण ही नहीं कर सकते। फिर एक यज्ञ करने के लिए पता नहीं कितने हजार रुपया की जरूरत, कहाँ से लाएंगे। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में यज्ञ भी असंभव है। द्वापर युग में बोले द्वापरे परिचर्या, द्वापर में जो साधन था परिचर्या, उसमें 1600 उपचार में ठाकुर की सेवा होनी चाहिए। धूप नैवेद्य गंध पुष्प अगुर कर्पूर चंदन फूल पंचामृत, अभी कलयुग में इतना कहाँ से पैसा लाएंगे, रोज रोज इतना पूजा सेवा करेंगे। इसलिए भगवान बहुत सोच सोच करके बोले ऐसे एक कलयुग में धर्म रख दिया जाए जो बिना पैसा और बिना कष्ट से ये साधन हो जाए। इसलिए भगवान ने बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा। इसलिए केवल भगवान का नाम जप करो, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम का भी जरूरत नहीं। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पैसा की जरूरत पड़ा, कोई परिश्रम हुआ है। देखो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं नाम नाम करी बहुधा, भगवान के अनंत नाम है, कृष्णा गोविंद दामोदर हैं, इसलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
नाम नाम का ही बहुता भगवान अनंत नाम है। खैर वह निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता भगवान कलयुग में सारे शक्ति को भगवान अपना नाम में रख दिया, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है। खैर बोले नियमित स्मरण काल महाप्रभु ने ये नहीं बताया, देखो जब केवल पवित्र अवस्था में हो तभी मेरे नाम ले सकते हो और अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते हो। महाप्रभु ये भी नहीं बताए, बोले किसी अवस्था में भी भगवान का नाम कर सकते हो। एक समय जगन्नाथपुरी में एक महाप्रभु का भक्त था जिसका नाम था गोपाल। ये गोपाल एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब शौच क्रिया में जा रहे थे, महाप्रभु ने अपना जीव कैसे पकड़ कर रखे थे। उन्होंने पूछा प्रभु जी जीवा को पकड़ कर क्यों रखे हो, बोले गोपाल ये जो जीवा है ना मेरा बात नहीं मान रहा है, अभी मैं शौच क्रिया में जा रहा हूँ और ये हरे कृष्ण नाम जप कर रहा है, अरे अभी अपवित्र अवस्था में तब चुप तो हो जा, देखो क्या कहता है। बोले प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, अभी सज्जा से उठने का हिम्मत नहीं, उसी में ही बाथरूम कर रहा है, वो तो अपवित्र अवस्था में, अभी बताओ प्रभु जी उसका नाम करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर उसकी मुक्ति कैसे मिलेगा। महाप्रभु इतना प्रसन्न हो गए, बोले गोपाल आज से तुम गोपाल नहीं गोपाल गुरु हो। महाप्रभु उसका गुरु की आख्यान दिए, हम आगे सुनेंगे अजामिल का कथा सुनेंगे। देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है। ये अजामिल कौन सा समय में भगवान की नाम ली, जिस समय देखा जमदूत उसको पकड़ने के लिए आए, गला में काल फास्क लगा दिए, इतने में उसको बेटे को दूर में खेलते हुए देखा और उसने अपना बेटे को बुलाया, बोला बेटा नारायण नारायण ना, चार अक्षर झट वैकुंठ से चार दूत आ गए। दोनों में बड़े तर्क वितर्क हुआ, जमदूत कहते हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में विष्णुदूत ने पूछा भैया तुम क्यों ले जाओगे, बोला आपको पता नहीं ये जन्म लिया ब्राह्मण घर में और उसने एक वेश्या के चक्कर में पड़ करके अपना पत्नी ब्राह्मणी को त्याग दी, वो वेश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमेध्य कुमेध्य सारी कुछ भोजन किया, सारे पाप कर्म किया, गुंडागिर्दी चोरी बदमाशी सारे गंदगी काम की,
इसलिए सीधा नर्क जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया कुछ तो पुण्य कर्म किया है। बोले क्या किया? बोले अभी जो भगवान का नाम लिया, नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करते रहो और मरने से पहले एक बार नाम ले लो, हो जाएगा? हो जाएगा? बोले तुमको भगवान का नाम में क्या शक्ति, तुम्हें क्या पता है? भगवान का नाम अगर किसी तरह से हैं उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने सीधा राम का नाम नहीं ले सका, इतना पापी था। मरा मरा करते 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 उन्होंने रामायण को लिख लिए। भगवान का नाम में इतने शक्ति है, इतने शक्ति है, किसी तरह से भी प्रभु का नाम निकल जाए। बोले अशेष अगहरम विदु, जन्म जन्मांतर का सारे पाप को धोल डालता है। फिर जमदूत ने बताया, बोले उसने भगवान को कब बुलाया? वो तो अपना बेटे को बुला रहा था। देखो क्यों हम बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर रखें, यहाँ पर तर्क देते हैं। बोले उसने भगवान को कब बुलाया? वो तो भगवान बुलाया ही नहीं, वो तो अपना बेटे को बुला रहा था। बोले बेटे को जो बुला रहा था, लेकिन वो नाम किसकी है? भगवान का नाम उसको धराया गया, भगवान का नाम को धराया गया है। इसलिए जब उसने अपना बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया था, उसको सारे पाप से मुक्त हो गई थी। लेकिन अभी बेटे को, सबसे छोटा बेटा था, सबसे प्यारा था, दिन रात बेटा नारायण इधर आ बेटा, नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा, नारायण मेरे गोद में बैठ जा। जैसे हम माला जप करते हैं ना, दिन भर नारायण नारायण योग माला जप करना। और अंतिम समय में जो भगवान का नाम ली, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनी जताना कराए, जनमा जनमा मोनी जताना कराए, जनमा जनमा मोनी जताना कराए, जनमा जनमा मोनी जताना कराए। दो अर्थ है, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अगर मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते तो फिर क्या होता है? अंत राम कहीं आबत नाई, तब भी अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलती। जतन करने पर भी एक समय कोई एक बूढ़ी माता हॉस्पिटल में मरती, अंतिम समय आ गया मरने का, लेकिन दिन भर बोलते रहती बेटी को देख लेना, टाइम टाइम पर बेटी के घर में कुछ भेजते रहना, ये बेटा को देख लेना, ये दुकान मकान देख लेना, दिन भर बोलती रहती है। उसको बेटे लोग कहते माता जी आप कोई चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, लेकिन थोड़ा राम राम थोड़ा राधे राधे बोलो। वो कहती है मैं इतना बोल नहीं सकती। लेकिन उसको जो पोता थे ना, बड़ा चतुर थे, वो चाह रहे थे दादी किसी ना किसी तरह से थोड़ा प्रभु का नाम ले। बोले दादी तू क्या नहीं बोल सकती हो? वो सोच रहे थे कम से कम बोलेगा दादा राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ। बोले तू जो बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकती, तू जो मेरे मुंह से भगवान का नाम लेना चाहता मैं वही नहीं बोल सकता, और सब कुछ बोल सकती हूँ। इसलिए कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। इसका एक अर्थ है, देखो दूसरा अर्थ देखो। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराए, कोई कहते हैं ना अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, जब बूढ़े बन जाएंगे ना तब एक दो माला सटका लेंगे, अभी से भजन हरिनाम करने का अभी से क्या जरूरत है? देखो यहाँ कहते हैं बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं फिर क्या होता है? बोले अंतराम कहीं, तभी अंत में कहीं प्रभु का नाम मुंह से
निकलती हैं, मतलब अंत राम कही फिर आवत नाही। अगर अंतिम समय में भगवत स्मरण हो गया ना, फिर ये संसार में तुम्हें अनावत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो रील में भरा हुआ वही तो निकलेगा ना। हम कहते हैं ना, अरे बुढ़ापा में कर लेंगे, इतना आसानी नहीं। जिंदगी भर जो रील में भरा होगा वही तो निकलेगा। अगर जिंदगी भर कड़ा कचड़ा सब अदर भर भरे रहेंगे, फिर अंतिम समय में प्रभु का नाम कैसे निकलेगा हैं? इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नियमित स्मरण न काल अजा मिलने, जब नाम लिया बिस्तरा के ऊपर लेटा हुआ टट्टी पेशाब कर रहा है, उन्होंने जम दूतों को देख करके उन्होंने डर गया, डरते हुए अपना बेटे को नारायण बुलाया। लेकिन भगवान का नाम में इतने शक्ति ठाकुर जी का नाम में सारे पाप उस पर नष्ट हो गया और सीधा भगवत धाम का गमन किया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, नियमित स्मरण न काल, मैंने कोई पाबंद नहीं रखा, केवल पवित्र अवस्था में कर सकते हो, अपवित्र भी नहीं कर सकते हो। लेकिन महाप्रभु एक बात को दुखी होकर करे, ये चीज को सावधानी से सुनो, कहते मैंने इतना सरल लिख दिया, लेकिन तब भी कलयुग का जीव ये हरिनाम नहीं करते, तब भी ये हरिनाम नहीं करते। फिर महाप्रभु कहते हैं, अगर हरिनाम इस जीवन में नहीं की, क्योंकि दूसरे जीवन में दूसरे युग में बड़े कठोर धर्म है, पालन करना इतना आसान नहीं, कलयुग में बहुत बहुत ही सरल है। और ये जो कलयुग है, कहते ये साधारण कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग है, क्योंकि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आए। हर कलि में महाप्रभु नहीं आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हैं, हर त्रेता में प्रभु राम नहीं आते हैं। बोले कब आते हैं? बोले ये ब्रह्मा का एक दिन में, बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? बोले 1000 चतुर्युग। बोले 1000 चतुर्युग कितना है? देखो हम लोग हिसाब करो, मेरे को बताना ये कलिजुग का कितने महत्व है, ये कलिजुग को क्यों धन्य कलिजुग बताई गई, इसका क्या रहस्य है, हम लोग हिसाब लगाओ, ये कलिजुग कब आता है और महाप्रभु कब आते हैं? बोले कलिजुग का जो परमायु 4,32,000 साल, ये कलिजुग का परमायु। बोले द्वापर युग का परमायु, कहते इसका डबल कर दो, कितना होगा? कितना होगा डबल करने से? बोलो, हिसाब नहीं करना, कितना होगा? 64,000। कहते जो त्रेता युग को कलयुग का 3 गुना कर दो, जितना होगा? और सत्य युग को कलयुग का 4 गुना कर दो, सत्य युग को अभी जितना हो पूरा इसको मिला दो, जो मिलाओगे इसको एक महायुग कहते हैं। और ऐसे 71 महायुग, 71 महायुग जब बीत जाए उसको एक मन्वंतर कहते हैं, उसमें एक मनु आते हैं। जब ऐसे 14 मनु चले जाए, कहते ये ब्रह्मा का एक दिन, तुम्हारी साई खत्म हो जाएगी, मतलब इतना लंबा युग है। बोले 1000 चतुर्युग के बाद में एक बार ये कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? कलियुग सबसे पाप का युग बताया, लेकिन ये जो कलियुग है ना, ये कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग भी इसी कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले देवताओं का बात छोड़ दो, जो लोग सत्य त्रेता और द्वापर युग में आए हैं वे भी इसी कलियुग में जन्म लेकर के महाप्रभु के चरण को आश्रय करते हुए भगवान की भक्ति करना चाहते। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव, जो बड़े बड़े संत लोग जिस ब्रज भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये ब्रज का प्रेम सहज में नहीं मिलती है, लेकिन कलियुग में महाप्रभु ये प्रेम को आसानी से दे देते हैं। इसलिए महाप्रभु बहुत ही दयालु, क्यों? कलियुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के आए, और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु से राधा रानी। इसलिए कलियुग में भगवान के जितने अवतार देखो सब काले काले हैं, लेकिन महाप्रभु का रंग कैसे? उनका नाम है गौरव हरि, गौरव मतलब श्री राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण, ये दोनों मिलकर के एक स्वरूप श्री
चैतन्य महाप्रभु बल श्री सचिनंदन गौर हरि बल श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। इसलिए कलयुग में सबसे सरल उपाय ठाकुर जी का नाम जप करनी चाहिए। अब सबके सब मेरे पीछे पीछे एक मिनट भगवान का नाम जप करो। हरे कृष्ण सब ताली बजाते हुए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरी 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 बोल।
से बोला राधे राधे काली बता की राधे राधे आगे बोले राधे राधे पीछे बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे बेटा बोला राधे राधे सभी बोला राधे राधे जोर से बोला राधे राधे आज मुंह तो खोला राधे राधे मुंह तो खोला राधे राधे काली राधे 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 काली 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 राधे कलियुग का जो साधन है ना कष्ट नहीं, कीर्तन में आनंद आया ना कष्ट मिला, बताओ अब बताओ कीर्तन में आनंद आया ना कीर्तन में कष्ट मिला, आनंद आया ना। बोले दूसरे दूसरे युग में जो साधन था बहुत परिश्रम है, लेकिन कलियुग में साधन में परिश्रम नहीं, साधन में भी रस है और जब वो मिल जाएगा तब भी रस है। इसलिए जगत में सबके सब पागल है, सबके सब पागल है, हाँ? बोले कोई तो दुनिया के लिए पागल है, कोई भगवान के लिए पागल है। इसलिए पागल बनना तो किसके लिए पागल बनो, भगवान के लिए पागल बनो, फिर तो वो पागल की महत्व है। बोले बदंती तत् तत्व विदस् तत्व जज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति सत्यति। स्वामी कहते हैं स्वर्ण का भगवान एक ही, हम कहते ना भगवान एक है, लेकिन एक होने पर भी इनकी तीन प्रतीति है और उनके तीन तरह का भक्त है। अभी ध्यान देकर सुनो, कहते वो एक ही भगवान है, एक ज्ञानी वो भगवान को एक ज्योति रूप में दर्शन करता है, लेकिन एक भगवान जो योगी उसको एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में हृदय में ध्यान करते हैं। वही एक भगवान को जो भक्त उनको ये गोपाल जी के रूप में, नहीं तो जुग सरकार राधा गोविंद के रूप में, वो ठाकुर जी के रूप में दर्शन करते हैं। एक ही भगवान है लेकिन तीन व्यक्ति उसको तीन रूप में दर्शन करते हैं। अभी प्रश्न है क्या ये सबके सब बराबर ना, ये सबके सब है? बोले सबके सब बराबर नहीं, सबको प्राप्ति अलग अलग, जब वो एक है। कहते ना जिसकी भावना ही जैसी और हरि मूर्त देखे तिनी तैसी, एक होने पर भी तीनों भक्तों को अलग अलग मिलता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दे करके समझाए, जैसे यहाँ आम का सीजन है, मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी और बड़ा सुंदर चौसा आम आया। एक राजा ने एक सेवक को बोला, भैया देख करके आओ, तो हमने सुना आम मार्केट में आया। एक सेवक गया, देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के बड़े सुंदर सुंदर आम बिक रहे हैं। बोले महाराज बड़े सुंदर आम है। राजा और एक सेवक को भेजा, बोले तू देख कर क्या, ये तो केवल ऊपर ऊपर से देख देख करके आ गया। दूसरा जो था पास में गया, देखा पीले पीले रंग के, उसको स्पर्श किया तो पक्का हुआ, सूंघा तो देखा बड़ा खुशबू है। बोले महाराज एकदम पक्का हुआ आम बड़ा खुशबूदार है। उसने और एक सेवक के भेजा, बोले भैया तुम भी देख करके आओ। उसने देखा स्पर्श किया पक्का सूंघा, बोले 5 किलो आम को। उसने 5 किलो आम लेकर के आया और अच्छे ठंडा पानी में भिगवाया, धो धा करके अमड़िया किया और ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाया। जब उसने आम खाया बड़ा स्वाद बड़ा मीठा है। राजा ने पूछा आम कैसे है, बोले महाराज बड़ा मीठो आम है। देखो ये तीनों को आम मिला है, लेकिन मिलने पर भी क्या सबको बराबर मिला है, ये चीज को समझो। बोले दूर से उसको जो दर्शन करके आ गया, बोले ये ज्ञानी, जो भगवान को दूर से केवल एक ज्योति रूप में दर्शन करता और कुछ नहीं मिलता है उसको। कहते तो भगवान कैसे, बोले तो निराकार है, वो तो ज्योति स्वरूप है, उसका तो कोई रूप नहीं गुण नहीं आकार नहीं, उसको केवल इतना ही मिला है। दूसरा व्यक्ति जो गया स्पर्श भी किया सूंघा और चला गया, बोले ये कौन है, बोले योगी।
वो क्या करता है, बोले भगवान को अपना हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा रूप में केवल ध्यान करता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कर्म में भ्रष्ट अधिक योगी, कहते ये ज्ञानी से ये योगी श्रेष्ठ है। लेकिन जो एकदम पास में गया आम खरीद करके लाया और उसको ठाकुर को भोग लगा कर खाया, बोले ये कौन है, बोले भक्त है, ये भक्त है। बोले भगवान को पूर्ण रूप में कौन प्राप्त करता है, बोले भक्त प्राप्त करता है। इसलिए आप कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान कोई नहीं कहते, भगवान को कोई नहीं कहते योगी का भगवान। भगवान किसके भगवान है, किसके भगवान है, भक्तों भक्त के भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले योगी नाम अपि सर्वसा मत गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम सामी युक्त तमामता। कृष्ण कहते अर्जुन ये योगियों में भी जो मेरे को प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भजन करता है अर्जुन कहते वो सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा मत है, हैं? इसलिए श्री सूरदास जी कहते बोले सबसे ओ प्रेम सगाई सबसे ओ प्रेम सगाई सबसे ओ प्रेम सगाई सबसे ओ उदाहरण देते हैं यद्यपि ज्ञान का बंधन है, कर्म का बंधन है, जो का बंधन है, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा बंधन किसी में है, बल्कि भगवान प्रेम को द्वारा जैसे बंधे और किसी को द्वारा बंधे नहीं। उदाहरण देते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। दुर्योधन का मेवा को त्याग दे दिया, जो विदुर जी को घर में आए बोले विदुर नहीं विदुरानी थी, बोले प्रभु का हम क्या खिलाए, आज मेरे घर में परम परम परात्पर तत्व। तब वहां पर केला था, वो केले का केले तो फेंकते जा रही थी और उसका छिलका खिलाते जा रही थी। जब विदुर जी आए बोले पागल क्या कर रहे हो, तू केले फेंकते जा रहे हो केले का छिलका खिला रहे हो। अभी उसको होश आया, होश तो था नहीं। उसने केला खिलाना शुरू की, भगवान कहते हैं विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ और छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल प्रेम ही भोजन करता हूँ और किसी चीज का मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। और भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के उन्होंने राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े सेवा बांट लिया। अभी ये दो सबसे घटा सेवा कौन करेगा, खाने का बाद झूठा पत्थर को उठाना और जो लोग आएंगे उनको जुत्ती को कौन संभालेगा। भगवान कृष्ण कहते वो दो सेवा मेरे को दे, देखो कहां भगवान और कर रहे हैं क्या, ज्योति संभाल रहे हैं और ब्राह्मण का चरण धो रहे हैं ठाकुर जी और झूठे पतलग उठा रहे हैं। बोले जिस समय बोले प्रेम के बस और जुन रहता हाँ को भूल गए ठाकुर आई, भगवान प्रेम में बसी तो होकर के अर्जुन का सारथी बन गए। अगर घोड़ा थक जाए तो उनको दाना खिलाते हैं, मालिश करते हैं। भगवान सबसे ज्यादा जो बसीभूत होते हैं प्रेम से बसीभूत होते हैं। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं सोनो का ऋषियों भक्त लोग ही भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ज्ञान कर्म योग भोग छोड़ करके भगवान को प्रेम को द्वारा भगवान को भक्ति करनी चाहिए। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। बोले जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान है
कहते 26 बार भगवान इस जगत में अवतरण हुई। जब हरि अनंत हरि कथा अनंत है, लेकिन भागवत में 26 बार ठाकुर जी का नाम अवतार आया है। सर्वप्रथम भगवान श्री चतुसर रूप में आए, ब्रह्मा का ये चार मानस पुत्र है। इन लोगों ने ब्रह्मचर्यों को पालन करते हुए भगवान की भक्ति की है। और ये जो चार थे, जैसे हमारा भोजन रोटी चावल है, लेकिन उनका भोजन किया है बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन। अगर कोई कथा सुनने वाले मिले भगवान की कथा सुनाते, अगर कोई कथा सुनने वाले नहीं, तीनों भाई सामने बैठ जाएगी और एक भैया ब्यास गिर पर बैठेगा और कथा सुनाएगा। कहते इनके उम्र कितने के, 5 साल के, नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते, 5 साल के। इससे कभी उम्र ज्यादा ज्यादा भी होता ही नहीं। बोले क्यों नहीं होता? बोले कारण है, श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले आयुर हरत वै मनसान उद्यान अस्त च जनासो तस्सरिते जम खणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। बोले ये जो सूरज है, ये सूरज नहीं, ये काल है। जैसे उदय होकर के अस्त हो गए ना, एक दिन हमारा नष्ट हो गया। हम कहते ना मेरे लाला तो 10 साल का हो गया। भैया 10 साल के नहीं हुए, उसका 10 साल उम्र कम हो गया। कहते हम तो 40 साल के हो गए। बोले 40 साल के नहीं हुए, हमारा जो पीक्स परमा उसे 40 साल खत्म हो गया। इसलिए जो बुद्धिमान है वो बोलते नहीं हम बड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन ये काल सबका परमाय को हरण कर रहा है, लेकिन कहते एक व्यक्ति का परमाय को हरण नहीं कर सकता। बोले कौन है? बोले जो भगवान की जन में, उनकी भक्ति में, उनकी कीर्तन में जो समय को बिताता है, काल का प्रकोप उसको ऊपर पड़ता नहीं, वो काल भी उसको भक्तों को डरता है देख करके। इसलिए इनके उम्र हर समय 5 साल उम्र रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हुए हरि भक्ति को प्रचार करते हैं। भगवान का जो दूसरा अवतार भगवान ब्रह्मा रूप में आए, जिस समय ब्रह्मा जी मनु महाराज को सृष्टि का आदेश दिए, लेकिन ये पृथ्वी कुछ है ही नहीं, सृष्टि करेंगे कहाँ? वो पृथ्वी असातल में चली गई थी। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उन पर नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कहते श्री भगवान ब्रह्मा, इस ब्रह्मा भगवान की, और उन्होंने पाल में छलांग लगाए और पृथ्वी को उठा ला करके धूरी पर स्थापन की। फिर मनु महाराज ने यह सृष्टि को उन्होंने प्रारंभ किया है। बोले भगवान का जो तीसरा अवतार भगवान श्री नारद रूप में ठाकुर जी आए। अब सब नारद को जानते हो, लेकिन जगत में इनका नाम बहुत बदनाम है। बोले क्या तू नारद जी का काम करते हो? क्या तुम झगड़ा लगाते हो? कहते नहीं, आप देखो कोई भी ग्रंथ देखो, रामायण देखो, भागवत देखो, कोई भी ग्रंथ देखो ना, ये नारद जी के बगैर कोई ग्रंथ ही नहीं। ये नारद जी, ये जगत गुरु श्री नारद जी, विशेष करके उनके चार चेले हुए हैं, दो ऐसे दो चेले हुए, दो वृद्धा, एक वाल्मीकि और एक व्यास देव। वाल्मीकि ने रामायण लिखे और व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ लिखे। कहते और जो दो चेले हुए बोले दो बालक हुए, एक ध्रुव और एक प्रहलाद हुए, जिन्होंने 5 साल उम्र में ही उन्होंने भगवत दर्शन किए हैं। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है, जरूर ग्रंथ का आप लोग पढ़ना, ढूंढना ग्रंथ को, वो ग्रंथ का नाम है नारद भक्त सूत्र। आप लोग जरूर ये ग्रंथ को जरूर पढ़िएगा, अद्भुत ग्रंथ है। इन्होंने भगवत भक्ति में कितने शक्ति है, अगर जीव कभी भगवान को प्राप्त कर सकता है ना, वो भक्ति के सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए बोले भक्ति रे वैव नयति, अगर भगवान तक जीव को कोई ले जा सकता है, ये भक्ति ले जाएगा। बोले भक्ति रे वैव दर्शयति, अगर ये जीव को कोई भगवत दर्शन करा सकता है, कहते बोले भक्ति, इसलिए भक्ति रे व भूयसी, इसलिए भक्ति की प्रशंसा। केवल उन्होंने भक्ति 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 की महिमा लिखी। जरूर वो ग्रंथ को ढूंढना। देखो हम लोग उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइन गंदे गंदे ग्रंथ पुस्तक हमारे घरों के सामने पड़ी रहती है। हाँ, जिसको बच्चे भी पढ़ने पर भी बुद्धि खराब होगा हमारा भी। इसलिए घर में कुछ भक्ति ग्रंथ को रखो, जिसमें बच्चों का हाथ में भी पढ़े उनका भी कल्याण हो, हमारी भी नजर में पड़े हमारे भी कल्याण हो। इसलिए भगवान की जो चौथा अवतार भगवान श्री
नर और नारायण ऋषि रूप में बद्रिका आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या करते हैं? बोले भगवान को पता है ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं करेंगे। अगर कोई कष्ट करके केवल बद्रिका आश्रम पर दर्शन कर ले, भगवान बोले मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ छठवां भाग का फल मुझे दर्शन मात्र से ही जीव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान बद्रिका आश्रम पर नर नारायण रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं। बोले तपस्या का कारण है, बोले एक दिन श्री नारद जी वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में पहुंच कर देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए माँ लक्ष्मी चरण पलट रही थी। नारद जी ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? बोले मतलब बोले श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उनका जो छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं। आप तो दुनिया का मालिक हो, आपको जो देखेगा वही तो सीखेगा। बोले नारद जी घुमा फिरा करे क्यों, सीधा सीधा बताओ। बोले प्रभु आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हो, लक्ष्मी को देखे होंगे भगवान का चरण को गोद में हर समय ली हुई है और चरण की सेवा कर रही है, दिन भर लक्ष्मी पास में। अगर आप लक्ष्मी को लेकर पड़े रहोगे दुनिया बोलेगा जब भगवान अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी दिन भर पड़े रहेंगे। बोले नारद जी बताना क्या चाहते हो? बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। जब तक जी भगवान की आराधना नहीं कर जीव को सुख नहीं मिलता है। आप दुनिया को कुछ सिखा दोगे तब तो सीखेंगे, इसलिए प्रभु जाओ थोड़ा भजन करो, आपको देख करके जीव भी भजन करे। भगवान की मैं चलता हूँ, बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। भगवान भ्रमण करते करते पहुंचे बद्रिका आश्रम पर, बड़ा सुंदर। कौन कौन गए हो बद्रिका आश्रम? कौन कौन? एक और कौन गए? दो तीन चार पांच। आई बताओ कौन जाना चाहते हो? अब सबके साथ जाओगे, जाओगे वहां पर। देखो एक कथा सुनो, जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे नंद बाबा ने उन्हें मनोत रखा था, हे बद्रीनाथ हे केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए मैं ये चार धाम करूँ। हैं भगवान के पास में संकल्प लिया था। लेकिन जब कृष्ण घर में जन्म हो गए नंद बाबा ने सोचे मैंने संकल्प किया हम चार धाम करूँगा, हम चलते हैं कृष्ण जन्म हुए घर में हम जरूर चार धाम जाएंगे। जब तैयारी हुई जाने के लिए कृष्ण ने देखा, देखो कितने भोले वाले गोप है, कहते ये बद्रीनाथ है कौन? कहते कृष्ण का ही अभिन्न रूप बद्रीनाथ है, बल्कि कृष्ण अंश का अंश ही बद्रीनाथ है, ये नारायण है। नारायण कौन है? देखो ध्यान देकर सुनो, ये जो कृष्ण है ये मूल पुरुष है। हम आगे सुनेंगे, बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ये भगवान कृष्ण है। जब भगवान ने देखा एक स्वरूप से लीला नहीं होगी तो उन्होंने एक अलग स्वरूप वामंग से श्री राधा रानी को प्रकट किया और राधा रानी से जितने सारे शक्तियां प्रकट हुई और डाहना अंग से श्री बलदेव ब्रह्म को प्रकट किए। ये बलदेव प्रभु से संकर्षण आए, ये संकर्षण से प्रे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हुए। उसमें जो संकर्षण हुए उनसे तीन विष्णु निकले, एक कर्णदशाई एक गर्भदशाई और एक क्षीरदशाई, इनसे सारे विष्णु प्रकट हुए। पर ये विष्णु कौन हुए? कृष्ण का अंश का अंश, अंश का अंश ये विष्णु है, लेकिन कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले, ये ब्रजवासी ये मेरे अंश के अंश इनको दर्शन करना चाहते हैं और मैं स्वयं घर में बैठा हुआ हूँ। हैं अगर नंद बाबा कभी कहते ना कन्हैया मेरे थोड़ा जूती ले आओगे, कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और नंद बाबा का जो जूती है ना अपना सर पर रख करके कृष्ण नाचते 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 आते हैं, हाथों में नहीं। नंद बाबा सोचते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हैं, देखो मैंने कहा जूती ले आओ तो उन्होंने किया कि हाथों में नहीं जूती को अपना सर पर रख के कृष्ण अपना जूती को ले आए। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं बोले अहो भाग्यम, ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्रा परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कृष्ण कौन है? बोले ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है और ये सनातन है।
ये ब्रजवासियों ने क्या सौभाग्य की है जो ये पूर्णा ब्रह्म सनातन होते हुए भी ब्रज में किसी की सखा बन गए। अगर कभी दो सखा खेलते हैं ना, अगर कभी कन्या हार गए बोले कन्या घोड़ा बन, हमें घोड़ा बन करके माठ बन से भांडीरवट तक ले चल। कृष्ण कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, सखा लोग कहते इसको अलग कर दो, सब अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं ऐसे मत किया करो भैया, मैं तो घोड़ा बन जाऊंगा, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, ऐसे मत एक अकेला मत करो। देखो कहां परम ब्रह्म होकर घोड़ा बनते हैं, सारा दुनिया का कान जो पकड़ कर उठाते बैठाते। अगर कभी कन्या मक्खन चोरी कर ले, कभी मिट्टी खा लेना, मैया सीधा जाकर कान पकड़ती है, अरे चोर चुटे तुमने मक्खन खाई और तुमने मिट्टी खाई। कृष्ण डर से बोल देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ये कहां पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन होते हुए भी ब्रजवासियों को भक्ति में कितने बसीब होते हैं, किसकी सखा बन जाते हैं, किसके बेटा बन जाते हैं, किसकी प्रियतम बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी क्या चाह रहे हैं, ब्रजवासी चाह रहे हैं क्या करे, ब्रजवासी लोग चाहते बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे, वो कौन है, वो मेरे अंश का अंश, बोले केदारनाथ तो कौन, बोले श्री भोले बाबा, बोले भोले बाबा का नहीं, भागवत में बताया वैष्णवा नाम जथा संभो, भगवान के सबसे प्रिय भक्त श्री शंकर जी, हर अवतार में प्रभु की लीला की, रामावतार में उन्होंने हनुमान रूप में प्रभु की सेवा की, कृष्णा अवतार में शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए फिर वो अद्वैत आचार्य रूप में सेवा करते हैं। बोले ये तो मेरे सेवक है, कहते भैया ये जमुना कौन है, ये जमुना है कौन, बोले कृष्ण का बटरानी, कृष्ण का बटरानी सखी विशाखा। कहते ये गंगा कौन, बोले मेरे चरणामृत, हाँ मेरे चरणामृत। लेकिन ये देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, कहां मेरे को छोड़ करके कहां केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जमुनोत्री जाना चाहते। कलाम सुन रहे थे ना, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे बसत श्री हरिद्वार, केदार बद्री बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है क्या हम श्री कौन है, श्री वृंदावन वासी है। अभी जब नंद बाबा सारे ब्रजवासी लोग तैयारी हुए, हम जाएंगे चार धाम करने के लिए, कृष्ण बोले इधर, बोले चार धाम में जाओगे ना, बोले हाँ, बोले आपको मैं चार धाम दर्शन कराऊंगा, ये ब्रज में ही चार धाम है, बोले कहां पर, बोले आओ मेरे साथ में। तब कृष्ण पूरा सारे ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने काम्य वन में 84 कोस में काम्य वन में वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री यहीं पर उन्होंने उनको चार धाम दर्शन कराया। वो जो चार धाम है ना, अगर 15 दिन जाओगे तो फिर दर्शन करके आओगे, और ये जो ब्रज में जो केदारनाथ बद्रीनाथ उसका आदि मतलब मूल यही है, वो शाखा इसकी है, लेकिन अगर एक दिन में ही आप घूम घाम कर आ जाओगे, जाओगे आप लोग, कौन जाएगा हाथ उठा, अब सबको हम ले चलेंगे, सबको यहाँ से चलेंगे और एक दिन में ना सब चार धाम दर्शन करा के यही ले आएंगे। हाँ ठीक है चलोगे, एक समय हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे और सबको लेकर जाएंगे और काम्य वन में दर्शन करके वृंदावन से यहाँ आ जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए कहती जो केदारनाथ बद्रीनाथ है इनको दर्शन करने पर ठाकुर जो तपस्या कर रहे केवल दर्शन मात्र से ही उनका भजन का जो छठवां भाग का फल है ये जीव को अपने आप प्राप्त हो जाता है। कदी भगवान की 14 अवतार है, ऐसे ही भगवान मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम कृष्णा बुद्ध कल्कि ऐसे भगवान 24 अवतार लिए। जब 24 अवतार का नाम को ले रहे थे बोले कृष्ण भी एक अवतार है, लेकिन इतना बोलते ही ना सुतो को शब्द डर गए, बोले मैं तो बड़बड़ कर दिया, मैंने बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, बोले फिर कृष्ण कौन है, बोले ये अवतारी, बोले अवतारी का मतलब बोले जिनसे ये सारे अवतार आए हैं, ये मूल है जो 16 कला में परिपूर्ण है,
फिर उन्होंने क्या की, जैसे उदाहरण दिया, जैसे अपना घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है, अपने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपने मोदी को भी निमंत्रण दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी निमंत्रण दिया, आपका जानकार है, उसने कहा ठीक है इसमें मैं आऊंगा, लेकिन जो आम व्यक्ति जिस पंक्ति में बैठ करके खाना खा रहे थे, लेकिन आपका नजर नहीं रहा, इतने में मोदी भी आ करके उसी लाइन में बैठ कर भोजन करने लगे। अगर आपका नजर बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, बोला अरे मोदी जी आए, हमको पता ही नहीं चला आप कब आए, इधर आओ उधर आओ, उसके लिए क्या करके स्पेशल जगह दोगे, सबसे बढ़िया जगह में उसको बैठाओ, क्यों, वो प्राइम मिनिस्टर है। कहते तो उसी तरह श्री सुत गोस्वामी ने जब अवतारों का नाम ले रहे थे, जब उन्होंने बीच में कृष्ण नाम ले लिया, बोला अरे मैंने तो गलती कर दी, ये कृष्ण को नाम भी अवतार का नाम में ले लिया। फिर उन्होंने सारे अवतारों को सामने सोने की सिंहासन लाए और सबको सामने कृष्ण को सोने के सिंहासन में बैठाए और उनके लिए एक अलग श्लोक लिखे, बोले इति चांसकला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम बृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे सौनकादि ऋषियों, अभी जिन जिनों का मैंने नाम लिया है ना, ये कृष्ण का कोई अंश और ये अंश के अंश कोई कला है, लेकिन ये जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म, वो स्वयं भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म है, इनसे सारे अवतार आए। इसलिए एक कवि जयदेव हुए, उन्होंने एक दशावतार का उन्होंने स्तोत्र लिखे, बड़ा सुंदर लिखे, बोले प्रायो पयो भी जले भीता पानासी वेदम भीता भीता चा भीतम केदम प्रलयो पयो भी जले भीता पानासी वेदम भीता भीता चा सारे मत्स्य कुर्मम बराह, ये कौन है, बोले केशव धृत, बोले केशव मतलब, बोले का मतलब होता है ब्रह्मा और ईश मतलब होता है शंकर, इनके जो प्रभु है ये श्री केशव है, इन्हें नहीं जुग जुग में, कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मन सृजम। हे अर्जुन, जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लग जाए, अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण ऊपर में अत्याचार होने लगे, उसी समय में मैं जुग जुग में अवतीर्ण होकर के संतों को पालन करना, दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। कौन कहता है, ये कृष्ण ही कह रहे हैं। आप लोग महाभारत देखे कि नहीं, महाभारत देखे होंगे, जिसमें भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाए, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम तो मत्स्य कुर्म बराह कहते हो, सबके सब मेरे अंदर में, यहाँ तक भी जितने इंद्र चंद्र वायु वरुण शंकर दुर्गा जितने देखो अर्जुन, ये सब के सब ये मेरे अंदर में। इसलिए ही अर्जुन, मत परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे से बढ़ करके जगत में कोई परतत्व है नहीं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, बोले श्री बंसी वदन प्रभु की जय, थैंक यू। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म रूप में स्थापन करते हैं। देखो जगत में, जगत में 33 करोड़ देवता है, हम कितने को खुश करोगे,
माला पहनो। अगर दिन में अगर एक करोड़ का पूजा करो ना तभी 30 दिन में 30 करोड़ वहां से माला उठाओ निधि से माला ले लो प्रभु जी की माला बना दिया। लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता हैं जिनके अंदर में सारे 33 करोड़ देवता कृष्ण के अंदर में। जब हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं ना वो सबका प्रणाम अपने आप हो जाता है। लेकिन सबको आदर करो किसको अनादर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हृदय में बास मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई। हृदय में केवल कन्हैया का स्थान दो। जैसे कि पतिव्रता नारी पतिव्रता कब कहते हैं जब अपना पति कोई तन मन सब कुछ अपना पति को दे तभी वो पतिव्रता। इसलिए भक्ति एक पतिव्रता नारी की एक धर्म ये भक्ति है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। मन वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन मकरंद है वृंदावन मकरंद है रस की करत रस पान दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा सांब आइए सभी लोग वृंदावन चले। वृंदावन कौन कौन जाएंगे सभी लोग जाएंगे लगभग तो आइए नाचते कूदते हुए चलेंगे। वो मेरे मुठे भी रह के मेरे सखी वृंदावन जाओगे
Hey, Bhagwatam,
देखो एक बढ़िया चीज सुनो। एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसकी भजन करनी चाहिए और किसके नाम लेनी चाहिए। तब शंकर जी कहते हैं, बोले आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम। बोले हे पार्वती, जितने सारे आराधना भगवान विष्णु का जो आराधना ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु के सहस्र नाम 1000 नाम। अभी मैया पार्वती दिन रात भगवान विष्णु का नाम जप करती है। अब 1000 नाम लेने के लिए तो समय लगेगा। जब कुछ दिन उन्होंने जप की, फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती ये विष्णु सहस्र नाम सभी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले कौन सा नाम? अगर आप पढ़े होंगे विष्णु सहस्र नाम, उसमें एक श्लोक है, बोले राम रमति रमति रम रमी मनोरमी सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानी। बोले हे सुंदरी पार्वती, भगवान राम का नाम बड़ा प्यारा नाम है, उसी नाम में मेरा मन रम जाए। अगर किसने 1000 बार विष्णु का नाम लिया, एक बार केवल श्री राम का नाम ले ले, एक राम नाम समान 1000 विष्णु का नाम। पार्वती बोली प्रभु ठीक है, फिर तो प्रभु राम का नाम ले। बोले हाँ पार्वती। जब पार्वती ने कुछ दिन प्रभु राम का नाम लेना, फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती ये राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। प्रभु कौन सा नाम है? देखो ये श्लोक है, बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैकता प्रजच्छति। अगर ये विष्णु सहस्र नाम को कोई 3 बार ले ले, केवल एक बार कृष्ण नाम ले, एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु का नाम और 3 बार श्री राम का नाम। बोले प्रभु कृष्ण नाम में इतने शक्ति? बोले हाँ, ये कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण है। मैया पार्वती कृष्ण का नाम लिया करती थी। एक दिन शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु आप ही तो कुछ दिन बाद में बता रहे थे ये कृष्ण 16 कला में परिपूर्ण, उनसे कोई बड़े ही नहीं, फिर आप बता रहे हो कृष्ण नाम से श्रेष्ठ। बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कृष्ण खुद चंद्रमा को ये बात बोल। देखो ये श्लोक है, बोले मम नाम सतनापी राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीमत। बोले हे चंद्रमा, अगर मेरा कोई 100 बार कोई मेरा नाम ले ले, अगर एक बार केवल श्री राधा जी का एक नाम ले ले, कहते मेरा 100 नाम समान राधा जी का एक नाम है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। और जोर से राधे। इसलिए वृंदावन में सब राधा जी का नाम लेते हैं। पार्वती बोली प्रभु फिर तक आज से केवल मैं राधे ही राधे ही राधे ही राधे ही बोलूंगा। बोले पार्वती इसमें भी एक रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य आप बताए ना? कृष्ण का 100 नाम तो साथ में राधा जी का एक नाम समान है, फिर उसमें रहस्य क्या? बोले पार्वती अगर तुम राधे 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 बोलोगे ना, कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। कहते राधा जी का नाम लेने पर राधा रानी वहां नहीं आएगी। बोले कौन आएगा? बोले वहां पर बिहारी जी आएंगे, राधा जी नहीं आएंगे। बोले फिर प्रभु जी, बोले अगर तुम कृष्ण कृष्ण बोलोगे ना, वहां पर से राधा रानी आएगी। राधा नाम से कृष्ण संतुष्ट होते हैं और कृष्ण का नाम से सिर्फ राधा रानी संतुष्ट होती है। पार्वती बोली प्रभु तो आप बड़े कंफ्यूज में डाल दिए, अभी बताओ अभी राधे राधे बोलूँ ना कृष्ण कृष्ण बोलूँ? तब शंकर जी कहते पार्वती
ये दोनों जुगल नाम को लेनी चाहिए। बोले कैसे? बोले हरे कृष्णा सब हाथ उठाकर बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। पार्वती बोली प्रभु उसमें तो कोई राधे राधे है नहीं क्या? तो हरे हरे कृष्णा कृष्णा ये खिचड़ी जैसे राम राम ये क्या है? इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, आप लोग थोड़े बहुत संस्कृत कोई पढ़े हो? कौन संस्कृत पढ़े हो? दो चार कोई पढ़े हो? देखो ये हरे जो शब्द ये राधा जी का नाम है, इसका मूल शब्द हरा। हाँ जैसे आप लोग लता शब्द नहीं तो रमा शब्द पढ़े होंगे स्कूल में, रटे होंगे रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमाभ्याम, इस जो शब्द पढ़ते हैं वो रमा शब्द का अंतिम में हो जाते हैं, हे रमे। इसका मूल शब्द हरा, हरा मतलब होता है अपना प्रेम भक्ति से जो कृष्ण का मन को जो हरण करती है वो हरा। अब वो संबोधन में हो जाते हैं हे हरे, मतलब हे राधिके, कृष्ण मतलब कृष्ण है, पर उसमें हरे राम आ गया। ये तो हरे हो गया कौन? श्री राधा रानी। पर राम कहाँ से आए? राधा जी को साथ में श्याम रहते हैं, लेकिन फिर राधा जी का साथ में राम कहाँ से आ गए? बल इसमें जो राम शब्द है वो दशरथ राज जो नंदन जो राम है उनका नाम ये महामंत्र में नहीं है। कहते कृष्ण राधा जी को साथ में रमण करते हैं, हम कहते हैं ना जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसलिए राधा रमयति राम, इसलिए राधा जी को साथ में रमण करते हैं विहार करते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम श्री राम है। इसलिए जो महामंत्र में ये केवल श्री राधा कृष्ण का ही ये मंत्र है, इसका नाम मंत्र नहीं, इसका नाम है महामंत्र। मतलब जितने मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ये महामंत्र। देखो अभी प्रश्न है फिर हम ये महामंत्र क्यों जप करें? कहते हमारी भविष्य पुराण में कहते चार युग में चार मंत्र दी गई है, हमें कोई अलग मंत्र मनमानी कोई मंत्र नहीं बनानी चाहिए। ऑलरेडी शास्त्र पहले बोल चुका है, बोले सत्ययुग का जो लोग कौन सा मंत्र लेकर उनको मुक्ति मिलती थी, बोले नारायण परा वेदा नारायण परामोक्षा नारायणम पराम गति नारायण पराम मुक्ति। कहते सत्ययुग में लोग यही मंत्र जप करके उनको मुक्ति मिलती थी। जब तृतीया युग आया वहां पर अलग मंत्र है, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, वहां पर एक अलग मंत्र है। लेकिन जब द्वापर युग में आया, बोले हरे मुरारी मधु कंठ भारी गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रख्य, द्वापर युग में लोग ये मंत्र जप करते। लेकिन कलियुग में अब स्वयं पढ़ करके देख लो, कलियुग में जो मंत्र है कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। कहते कलियुग का ये महामंत्र, बोले इति षोडश का नाम नाम कलि कलमस नाशनम, जो सोलह नाम जो 32 अक्षर कली का जितने पाप को यही नाम ही हरण करने वाले। अभी सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, बोले हे सुत गोस्वामी आप कृपा करके बताओ ये सुखदेव गोस्वामी किसी एक जगह पर एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है उससे ज्यादा टिकने वाले नहीं? कहते श्री परिकृति महाराज उसी समय संपूर्ण ये पृथ्वी को ऊपर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्यों सब कुछ छोड़ करके इन्होंने क्यों आकर के ये कथा सुनी? और से सुखदेव गोस्वामी फिर एक जगह पर बैठ करके 7 दिन तक फिर कथा क्यों सुनाए? फिर श्री व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथ को क्यों रचना की? मैंने जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके सारे प्रश्न का उत्तर दो। तब से सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशरम दोगी
दास प्यार कलया है। यदि ये कलिजुग को देख करके श्री व्यास दे ये भगवान की सत्यावेश अवतार है। पहले एक ही वेद था, फिर उनने एक वेद को री जजु श्याम अथर्व उनने चार वेद रूप में प्रकाशित किया। फिर उन्होंने ये उपनिषद को वर्णना की, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को रचना की, फिर उन्होंने 18 पुराण को उन्होंने रचना की। फिर देखा स्त्री शूद्र को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को रचना की जिसमें ये भगवत गीता है। लेकिन ये सारी रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनको पता नहीं चल रहा था। इतने में श्री नारद जी आते हैं, बोले व्यासदेव लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही बात बताए, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को रचना की, लगता है इसमें किसी चीज की कमी है, इसलिए गुरु जी आप कृपा करके बताओ उसमें कमी क्या है। कहते श्री नारद जी कहते हैं, बोले जथा धर्म दयश्चार्था मुनि वर्ज्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्तिता। बोले हे व्यास तुमने जो ग्रंथ रचना की ना, अगर ये सारे ग्रंथ को कोई पढ़े ना वो पागल बन जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा भक्ति करे तो हम किसी को भक्ति करे। अगर शिव पुराण पढ़ो वहां पर बताया सत्यम शिवम सुंदरम, ये शंकर जी की गौशाला में कृष्ण स्वयं गैया की रखवाली करते हैं। अगर वो ग्रंथ कोई पढ़ेगा तो शिव को छोड़कर किसी भजन नहीं करेगा। बोले जो देवी पुराण अगर उसको कोई पढ़े बोले वही तो जगदम्बा जगत जननी, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। अगर वो ग्रंथ को कोई पढ़ ले फिर मैया को छोड़कर किसी को मानेगा नहीं। जहां पर तुमने गणेश जी की महिमा गाई, बोले 33 करोड़ देवता में जो कंपटीशन हुआ किसकी पहले पूजा होनी चाहिए, बोले गणेश जी की। वो तो गणेश को छोड़कर कुछ करेगा ही नहीं। हनुमान जी की अगर इसकी कोई महिमा सुन ले, बोले हनुमान ही सब कुछ है। सूर्य देवता की कोई महिमा सुने, बोले सारा दुनिया को तेज राशि वही देने वाले। अगर तुम्हारी ये सब ग्रंथ पढ़ेगा ना आदमी पागल बन जाएगा, और भविष्य में ये सब ग्रंथ जो पढ़ेगा ना वो आपस में कर लड़ाई झगड़ा करेगा आपस में। वो बोलेगा शंकर बड़ा, वो बोलेगा देवी बड़ा, वो बोलेगा हनुमान बड़ा, वो बोलेगा गणेश बड़ा, केवल झगड़ा झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। देखो जो जीव है, जीव का जो स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप भगवान की नित्य सेवक है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सबके सब भगवान की ही संतान हैं। इसलिए जब तक ये जीव भगवान की आराधना नहीं करे तब तक ये जीव को शांति मिलने वाली। अभी तुम ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रचना करो, जिस ग्रंथ में इधर उधर किसी देवादेवी की महिमा मत गाना, केवल भगवान जो विष्णु कृष्ण और राम है इनकी ही कथा सुनाओ, और इनमें इधर उधर किसी भक्तों का भी चरित्र मत कहा करना, जिसमें केवल भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनकी चरित्र को वर्णना करो, जिसमें ब्रजवासियों की महिमा को गाया करो, उसको द्वारा ही तुम्हें शांति और परम तुमको सुख प्राप्त होगा। लेकिन तुमने क्या बोल दिया, ये संसार करते रहो, संसार करते करते जब तुमको पूरा विरक्ति हो जाएगी ना, फिर कभी बुढ़ापा में एक दो माला कभी कर लेना। तुमने ये भी एक बात को तुमने बता दी, इसलिए देखो ये बुढ़ापा में भजन होना बड़ा कठिन है। इसलिए आप एक छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय श्री नारद जी ये मरते जगत में आए और सभी को पास पास में गए, सबसे पूछा घर में सब सुख शांति है, ऊपर से तो सबके सब बोले हम ठीक ठाक है, लेकिन जब अंदर की बात बताए ना, देखा जगत में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन से मन से कोई धन से, संसार पूरा दुखी दुखी संसार में। इसलिए नारद जी जब वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ एकदम खाली पड़ा हुआ, बोले प्रभु जी मरते जगत में इतने जीव दुख कष्ट उठा रहे हैं, कुछ जीव को वैकुंठ ले आओ ना, कोई आपको माला बनाएगा, कोई आपको प्रसाद बनाएगा, कोई फूल की सेवा करेगा। बोले नारद जी मैंने 26 अवतार लिया, लेकिन एक जीव भी
ये माया छोड़ करके आना नहीं चाहते हैं। बोले प्रभु मेरे को ये बात विश्वास नहीं होता है। बोले तेरे ऊपर ये दायित्व देता है, जितने जीव मिले ना पकड़ करके ले आओ वैकुंठ में। नारद जी बोले प्रभु आज ही ये वैकुंठ में भर दूंगा। इतने में नारद जी प्रतिज्ञा को लेकर के आए और उन्होंने देखा कि किसान को खेती कर रहे हैं, जेठ की महीना शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। बोले ये तो जरूर जाएगा, इतना दुखी है। बोले भूत बताए वैकुंठपुर पूरा खाली रहा, वैकुंठ चलोगे? बोले अपना रास्ता देख। बोले वैकुंठ चलोगे? हम खेती कर रहे हैं, गेहूं होगा, मेरे हाँ मेरे पत्नी बच्चे, और तू कह रहे हैं वैकुंठ जाएंगे? अपना रास्ता देख। और थोड़ी दूर गए, एक माता जी को कुएं में पानी भरते हुए देखा। बोले जरूर ये तो जाएगी। बोले माता जी वैकुंठ चलोगे? बोले बाबा तेरा कोई काम नहीं, इसलिए और किसी का कोई काम नहीं है। अभी अभी मैंने रोटी बना कर खाई, अभी जाकर सब्जी बना कर बच्चों को खिला। बोले वैकुंठ चलो, अपना रास्ता देख। अभी जो पूछे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। इतने में देखा घर को सामने 100 साल की एक वृद्धा बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा, बूढ़ा हो गया ना, जरूर जाएगा। बोले बाबा आपका नाम क्या? बोले कैलाश। बोले पूरा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, चलोगे? बोले हाँ जाऊंगा, सारे काम तो समाप्त हो गया और किसी बाकी है। बोले किसकी क्या बाकी है? बोले बेटा का सगाई हो गई, अभी बेटा का शादी हो जाएगी ना, सारे काम समाप्त हो जाएगा, तो मैं चलूंगा। बोले अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं हुई। बड़े कष्ट से एक व्यक्ति हाँ भरे, नारद तो पीछे पड़ गए। बोले नारद जब कुछ दिन बाद में आए, बोले शादी शुदा हो गया? बोले आपका आशीर्वाद से सब बढ़िया से हो गया। बोले वैकुंठ चलो। बोले बाबा अगर पुत्र जन्म देते हैं ना, ये पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर नाती का मुंह देखे उसको स्वर्ग होता है। मन में कोई इच्छा नहीं। अभी जो घर में बहू आई, अभी एक गर्भवती है, उसका एक बेटा जन्म हो जाए, बस सीधा मैं वैकुंठ चलूंगा। नारद जी बोले पहले शादी करने पर जाएगा, बोले कहता नाती का मुंह देख करके जाएगा। नारद तो उसको पीछे ही पड़ गए। कुछ दिन बाद में आए तो देखा वो भी शरीर छोड़ चुका हुआ। पूछा बेटा पिताजी कहाँ गए? बोले क्या बताऊं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। बोले ये तो छोड़ के नहीं गया, इसी घर में, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलवरम तम तम एवं कौर्य सदा तदभाव भावित। अंतिम समय में जैसे सोच सोच करके जीव प्राण त्याग करता है, उसको गति ठीक वैसे होता। ये तो पूरा संसार में आसक्ति था, ये घर में किसी ना किसी रूप में ये घर में जन्म लिया है। तो उन्होंने ध्यान लगा कर देखा, वो घर में कुत्ता बनकर घर में आया है। नारद जी उससे बात किया, बोले अभी तो कुत्ते बन गए, अभी तो वैकुंठ चल। बोले गुरु जी क्या बताऊं, ये जितने जमीन जागा सब देख रहे हो, कितने कष्ट करके कमाया मैंने, ये मेरे को पता है। ये रात सो जाता है, ध्यान नहीं रहता, इसलिए रात भर इसको रखवाली करना पड़ता है मेरे को। बोले कब चलोगे? बोले बेटा थोड़े से होनहार हो जाए। कुछ दिन बाद में आकर के देखते हैं कुत्ते भी शरीर छोड़ा हुआ होता है। फिर ध्यान लगाया देखा घर में बैल बन करके आया। बोले कैलाश अभी तो चल। बोले गुरु क्या बताऊं, ये जितनी जमीनी जायदाद है ना, मैंने इसको कमा करके कितने कष्ट से इसको खरीद किया था। ये बेटा क्या करता है ना, आधा तो खेती करता और आधा छोड़ देता है। मेरे को जोश के साथ में, उत्साह के साथ में उसको लेकर के मेरे को खेती करना पड़ता है। बोले कब चलोगे? बोले बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए। फिर जब आता है बैल भी मर चुका होता है। फिर देखा उसी घर में एक सांप बन करके, पहले पहले लोग कलश में सोना दाना रख करके काट देते थे बाग में। उसको पता था मैंने कहां पर ये पैसा रखा हुआ। देखा एक काला सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को फटकने वहां नहीं देता है। उसने देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा होने वाले नहीं, इसका पीछे मैंने 3 जन्म तक घूम चुका हूँ। उसको बेटे को बुलाया, बोले इधर आ, तेरे पिताजी कुछ पैसा उनको गाड़ करके गया, वो बताया नहीं, एक डंडा लेकर के आया, वो सांप को मारना नहीं केवल कमर ही तोड़ देना। बड़ा खुश हो गया मेरे पिताजी, इतना पैसा रख कर गए बोल करके नहीं, उसने डंडा लेकर के आया और उसने मार सर्प को। इतने में कमर टूट गई, सांप का कमर टूट जाए ना उधर भाग नहीं पाता है। बोले खोदो, खोदा तो सचमुच से वहां पर सोने की एक कल से निकला। वो सांप तो आग फाड़ फाड़ देख रहा था, क्यों? उसको प्रति उस आसक्ति थी। बोले सांप को वहां से फेंक लो
अब उस लेकर के जाओ। जब ले गए नारद जी बोले कैलाश अभी भजन करोगे? बोले गुरुदेव अभी भजन करूंगा। इसका पीछे मैंने 4 जन्म बिता चुका हूं और लास्ट में अपना बेटा ही कमर तोड़ दिया। फिर नारद जी मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाते हैं। फिर अगले जीवन में इंसान बन करके आया। फिर गुरु जी मंत्र दिए और वैकुंठ लेकर गए। भगवान पूछा नारद जी कितने व्यक्ति वैकुंठ में ले आए? बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, एक जी भी संसार से आना नहीं चाहता है। इसका पीछे मेरे को 4 जन्म लग गया। देखो आपको लगेगा जैसे झूठ बात है ये, साफ साफ बनना। मैं कल एक न्यूज पेपर आपको ला करके दिखाऊंगा। मैं पहले कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम। मैं जब वहां कथा कर रहा था, जब ये मैंने कथा की, एक व्यक्ति ने इसको कथा को सुन करके उसने एक न्यूज पेपर मेरे को पास में लेकर गया। बोले बाबा आप जो कथा सुना रहे ना, ये सही बात, देखो ये न्यूज पेपर देखो। वहां पर मेदिनीपुर एक स्थान है उधर, बोले एक व्यक्ति का घर भित्ति खनन कर रहे थे, जो फावड़ा से मिट्टी खोद रहे थे, झन करके आवाज आई। बोले भैया आवाज कहाँ से आई? मिट्टी खोदे तो 2 कलसी वहां से निकला और देखा वो कलसी को अंदर में सोने चांदी के मोहर है और 2 जहरीले सर्प उसको एकदम लपेट करके बैठे हुए। ये 2 सर्प किसी तरह से उसको छोड़ने तैयारी नहीं। इतने पुलिस में खबर हो गया, पुलिस लोग आए उसको जब्त कर लिया और 2 सर्पों को जब बोरी में डाल करके करीब करीब 3 मील दूर में ये 2 सर्पों को छोड़ करके आए। देखा आधा घंटा बाद में 2 सर्प फिर वहीं पर घूम रहे। वो किसी तरह से वो जगह को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं। कल मैं आपको न्यूज पेपर ला करके आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल से पूरा उसमें लिखा हुआ है। इसलिए कृष्ण गीता में ये बात को कहते हैं, भैया मरते समय जैसे सोच सोच करके मरोगे ना, ठीक भाई सही जब लेने वाले। देखना हम लोग मरते समय सारे परिवार चारों तरफ में घिरे हुए रहते हैं। बोले पिताजी, बड़ी बेटी कहती है पिताजी मेरे को पहचान रहे हो, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। बड़ा दामाद कहता है, बोले ससुर जी पहचान रहे हो आपका मैं बड़ा दामाद हूँ। नाती बोलता है मैं आपका, अब देखना चारों तरफ में घिरे हुए होते हैं। वो व्यक्ति सबको देखते 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 अधीन में श्वास खा जाता है। फिर उसी वही फिर संसार में चक्कर कर रहता है। अभी प्रश्न है, हम तो सबके सब आ सकती है, बेटा बेटी नाती पोते, फिर हमारे क्या गति होगी? देखो श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात कहते हैं, बल्कि ऐसे क्या काम करें, आप नाती में भी आ सकती हो, पत्नी में भी रहो, पति सब चीज में आपका आसक्ति रहेगी लेकिन आपको बंधन नहीं होगी। क्या काम कर ले? महाप्रभु कहते हैं गृह बा बनते थक और सदा हरी बोली डाको। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपना जो संसार को कृष्ण का संसार बनाओ, कृष्ण का संसार बनाओ। घर में सबकी गले में तुलसी की कंठी हो, सब लोग गले में तुलसी कंठी धारण करे, तिलक लगाए, सबके सब बच्चे भगवान की माला की जप करे, भगवान के भजन करे, घर में जो कुछ खाना बने भगवान को भोग लगाए। अगर पूरा के पूरा परिवार अगर भजन करते हैं, अगर तुम अंतिम समय में बच्चों को याद करते 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 मरोगे, लेकिन बच्चा कौन है गले में कंठी तिल भजन करना, अगर उसको याद करते करते मरोगे ना तुम सीधा बन जाओगे। क्यों? ये परिवार वैष्णव परिवार हो, सबके सब घर में भजन करे, भक्ति कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले जे दिन गृह भजन देखी गृह रे गोलक भाय। इसका मतलब है जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो, जिस घर में हरि कथा हो, भगवान का नाम कीर्तन हो ना, कहते वो घर ही, कहते वो घर तो वैकुंठ है, वो घर वृंदावन है, वो घर घर तुम्हारे नहीं है। लेकिन घर में भजन होनी चाहिए, घर में भक्तों को बुलाओ, घर में कीर्तन करवाओ। लेकिन ये सब चीज है ना, जब तक हम भक्तों का संग नहीं करें, जैसे संगत में बैठेंगे वैसे रंग बदलेगा। इसलिए हमें भक्तों का संग करनी चाहिए। पास में ये इस्कॉन मंदिर है, एक नहीं, हम जहाँ कथा होती है कीर्तन होता है, भगवान का नाम भजन कीर्तन करते हैं, हैं? लेकिन आप देखना शुक्रवार को ध्यान देकर सुनो, आप ना मुसलमान लोग अपना बच्चे को 5 साल 8 साल 10 साल बच्चे को टोपी पहना करके देखना रोड एकदम मेन रोड के ऊपर बैठते हैं, बैठ करके अपना नमाज पढ़ते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं।
मैंने गया था कथा करने के लिए जयपुर, मैं आ रहा था, एक मुसलमान 5 साल का एक बच्चे को मैंने पूछा, मुसलमान बच्चा, तेरे को कलमा आता है, हाँ तुम अपना कलमा बोल सको? उसने बड़े गर्व के साथ बताया, बोले हाँ मेरे को आता है। उसने एकदम झटाझट बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूछा ये बताओ कितने साल उम्र में ये मुसलमान बच्चों के कलमा सिखाते हैं? बोले हमारे घर में कंपल्सरी 2 साल जो बच्चे को होता है उसको कंपल्सरी कलमा उसको उच्चारण करवाएंगे, हैं? उसको ये सब चीज सिखाते हैं। इसलिए बच्चों को देखना लेकर जाते हैं एकदम शनिवार का दिन मेन रोड में बैठ करके और उच्चारण करते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते जाने तो मंदिर में गए घंटा बजे वापस आ गए। गीता में क्या लिखा हुआ, भागवत में क्या लिखा हुआ, अगर गीता भागवत ना बांध करके पोती ऊपर घर में रखा हुआ आपने, हमारे किसी बच्चे को पूछो उसको हम 20-20 हजार 30-30 हजार का स्मार्टफोन बच्चों को पकड़वा देते हैं, जो सबसे बच्चों को बुद्धि बिगाड़ने वाले ये मोबाइल उसको पकड़वा देते बच्चों को, लो 20 हजार रुपया की, लेकिन उसको बैठा करके एक माला नहीं जप कर। भैया तू एक भगवान का माला जप कर, नहीं तो गीता का एक श्लोक तुम पढ़ो, देखो ध्यान देकर सुनो ये गीता की कितनी शक्ति है। एक समय अमेरिका में इस्कॉन का जो जिसको है ना उनको हर जगह पर जैसे गीता जयंती आती है वहां पर सबको गीता देते हैं बेचते हैं। एक बेटी जब प्लेन से उतरा हमारे इस्कॉन के भक्त गीता बेच रहे थे, जब गीता दे रहे थे वो बोला नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को बोला दो, लेकिन करके 10 व्यक्ति खड़े हुए थे आसपास में। उसने सोचा भैया कितना को बोलो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, एक ले ही लो, $1 दे करके एक गीता पुस्तक उसने ले लिया। ले करके उसने अपना ड्रम को गीता पुस्तक रख दिया। रख करके एक दिन वो इतने डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया अमेरिका में, सोचा आज मैं सुइसाइड करूंगा, हाँ मैं आज सुइसाइड। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, शायद अमेरिका जा करके शायद पैसा कमाने पर ना शर्म सुखी हो जाएंगे, लिखा पढ़ा सीख करके अमेरिका जाएंगे और पैसा कमाएंगे और पैसा कमा करके साथ सुखी हो जाएंगे। अब ये इस्कॉन मंदिर में जाकर के देखना हो, अंग्रेज लोग सारे अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी से, अब बच्चों को देखना सब वहां से भक्तों को देखना सब चोटी रखे तिलक लगाए गला में कंडी सबके सब माला जप करते हैं। जिसे अमेरिका में हम सोचते हैं बच्चों को भेज करके पैसा कमाने पर सुखी हो जाएंगे, अब इस मंदिर में देखो वहां छोड़ करके वृंदावन गए और यहाँ पर आकर के भगवान के नाम की माला जप करते भक्ति करते हैं भगवान के भजन करते हैं, वो सारी चीज को छोड़ करके आए सारे भोग को छोड़ के। अगर शांति होता तो क्यों वो अमेरिका छोड़कर यहाँ पर चोटी तिलक माला धारण की? देखा भैया जीवन सुखी है ना भगवान की भक्ति। देखो आप एक सच घटना सुना था, हमारे गुरु जी जब अमेरिका गए थे बहुत बड़े धनी घर में गए, वो था गुजरात का व्यक्ति, जब हमारे बड़े गुरु जी बहुत बड़ा बंगला उसकी कार, लेकिन वो पति पत्नी बड़ी दुखी हो रहे थे। बोले भैया क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हारी इतना सुंदर गाड़ी बाड़ी। बोले गुरु जी हम अमेरिका में आकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। देखो क्या कहता है, बोले क्या गलती किए? बोले मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अमेरिका में ये नियम है 15-16 साल जब हो जाए बच्चे को ना कोई भी पिता माता अपना बच्चे को घर में नहीं रखते, निकलो निकलो घर से अपना कमाओ और खाओ। उनका देश में यही नियम है। जब बच्चा थोड़ी सी बड़ा हुआ है कि बेटा ने गर्लफ्रेंड बनाया और गर्लफ्रेंड बना करके कहाँ गया घर में पता नहीं, मेरा बेटा है घर में एक बेटी थी, उसने कहा पिताजी आज